प्रथम तहलका न्यूज और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचकुला में अब घर में पिटबुल और रोटर वेलर मिक्स कुत्ते की नस्ल रखने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि नगर निगम पंचकुला की ओर से आम बैठक में ये प्रस्ताव जो है महापौर कुलभूषण गोयल की ओर से पास किया गया, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि घर में पिटबुल और रोटर वेलर मिक्स कुत्ते की नस्ल रखने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि पंचकुला में खूंखार कुत्तों को रखने पर जो है रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां नगर निगम की आम बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि महापौर कुलभूषण गोयल ने यह प्रस्ताव पास किया है और उसके अनुसार अब जो है घर में पिटबुल और रोटर व्हीलर मिक्स कुत्ते की नस्ल रखने की अनुमति नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां पालतू जानवरों को रखने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अब पंचकुला में खूंखार कुत्तों के रखने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पिटबुल और रोटर वेलर मिक्स कुत्ते की नस्ल को रखने की अनुमति पंचकुला में नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है। और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचकुला में अब घर में पिटबुल और रोटर वेलर मिक्स कुत्ते की नस्ल रखने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि नगर निगम पंचकुला की ओर से आम बैठक में ये प्रस्ताव जो है महापौर कुलभूषण गोयल की ओर से पास किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि घर में पिटबुल और रोटर व्हीलर मिक्स कुत्ते की नस्ल रखने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि पंचकुला में खूंखार कुत्तों को रखने पर जो है रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां नगर निगम की आम बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि महापौर कुलभूषण गोयल ने यह प्रस्ताव पास किया है और उसके अनुसार अब जो है घर में पिटबुल और रोटर व्हीलर मिक्स कुत्ते की नस्ल रखने की अनुमति नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां पालतू जानवरों को रखने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अब पंचकुला में खूंखार कुत्तों के रखने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पिटबुल और रोटर व्हीलर मिक्स कुत्ते की नस्ल को रखने की अनुमति पंचकुला में नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है। यहां तक बात थी, वो कोई भी आदमी कहीं भी भेजा नहीं गया है, कोई उनको कोई मिसकंसेप्शन था। हमारे किसी भी अभी तक स्टाफ मेंबर को कल की डेट में कोई हटाया नहीं गया है। और अतिक्रमण की बात के ऊपर हमने पहले ही जो फाइन पहले 500 या 1000 रुपये थे, वो आज 5000 और 10000 कर दिया गया है, ताकि अतिक्रमण पूरे शहर से ख़त्म किया जा सके। इसीलिए फ़ाइन बढ़ाया गया है कि ताकि दोबारा अगर वो अतिक्रमण करेगा वो चार बार सोचेगा कि इतना बड़ा फाइन मैंने देना है कि नहीं देना। चाहे रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो जो गाड़ियां चला रहे हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे हैं, सबके फाइन आज इतने ज़्यादा कर दिए गए हैं, ताकि पूरा शहर को अतिक्रमण मुक्त बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि शहर अतिक्रमण मुक्त हो गया है। सर, रेडी मूवेबल रेडीज के लाइसेंस सिर्फ 32 इशू हुए थे, उनको देखते हुए हाउस ने जैसे ही वेंडिंग जोन का रेट था वही रेट 2000 रुपये, और जो मोटर गाड़ी वाले थे जो उनका 4000 रुपये आज रेट रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि वो लाइसेंस ले सकें। सर, एक सबसे यहाँ पर हमारे पास 585 के करीब हमने जगह अलॉट की हुई थी, पर जो हमारे पास रिपोर्ट थी 266 लोग वहाँ पर हमारे बैंडिंग जोन के अंदर थे, और 750 के ऊपर हमारे पास साइट्स अवेलेबल हैं। 500 से ज़्यादा हमारे पास साइट्स खाली हैं, और ये भी पता लगा है कि कुछ लोगों ने आगे किराए पे और भी दे रखी हैं। उन सब का आज हाउस ने पास किया है कि जो लोग हमारे शहर के अंदर पंचकुला के निवासी हैं उनको चेक करके सबको लाइसेंस रेडी के बैंडिंग जोन के अंदर दिए जाए, ताकि जो सारी खाली साइटें 500 पड़ी हैं उनको सारी को भरा जा सके। हमारी जगह जगह पार्किंग और शहर के अंदर अतिक्रमण किया हुआ था बसेस ने, उसके ऊपर भी फैसला लिया गया कि अगर कुछ एरिया के अंदर जहाँ पर पार्किंग, क्योंकि बसेस ज़्यादातर शाम को स्कूल के बाद ही खड़ी होती हैं, उनसे 3000 रुपये मंथली फीस लेकर उनको कुछ पार्किंग एरिया में अलाउ किया गया। हाउस की मीटिंग सारे पार्षदों ने हर मुद्दे पर पूरी डिस्कशन के साथ सारी चीज़ें पास की गई। जितना हाउस का एजेंडा था 24 पॉइंट हमारे रखे हुए थे, 4 हमारे स्टैंडर्ड्स के एडिशनल एजेंडाज थे, वो भी 4 और एजेंडाज बाद में जो थे वो भी सारे के सारे हाउस ने पास कर दिए। सर,
सर एक जो बैन लगा है कुत्तों पे उसके बारे में बता दें। जहाँ तक जो हमारे डॉग्स के ऊपर आज हाउस के अंदर मुद्दा था, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उन लोगों के ऊपर फाइन लगाया गया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनके ऊपर 2000 रुपया आज फाइन लगाया है। और दो तरह के हिंसक कुत्ते यहाँ पर शहर के अंदर बैन किए गए हैं। जो लोगों को ज़्यादातर काटते थे और लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, एक का नाम पिटबुल है, एक का रोटावेलर है, वो काफ़ी और शहरों के अंदर भी वो बैन किए गए हैं, उनको पंचकूला के अंदर बैन कर दिया।